उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए महज 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बाद उत्तराखंड की जनता राज्य के प्रत्याशियों की भाग्य तय करेगी। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सभी हर बिरादरी के वोटरों को साधने में जुटे हैं। बात अगर उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की करें तो इस संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी संख्या में है। ऐसे में भाजपा मुस्लिम वोटरों को मुस्लिम नेता के जरिए भुनाना चाहती है। सोमवार को इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुस्लिम समाज के बड़े नेता सैयद शाहनवाज हुसैन उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने काशीपुर के इस्लाम नगर बसे ग्राम पंचायत में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए समर्थन मांगा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम समाज अब ठगा महसूस कर रहा है। अब कांग्रेसियों को कांग्रेस पर ही भरोसा नहीं रहा, तो मुस्लिम समाज क्यों उन पर अब विश्वास करे। आज तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी से डरा कर वोट लेती रही, लेकिन अब मुस्लिम समाज डर कर नहीं सोच कर वोट करेगा। सच्चा मुसलमान वही है जो सिर्फ खुदा से डरता है। जब कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, तो माइनॉरिटीज के लोग आजादी के बाद आप कांग्रेस को वोट देते रहे, आपको लगा वो बीजेपी से डरा डरा कर वोट लेती रही। खुदा से डरने वाले कौन को बीजेपी से नहीं डरना, बीजेपी से डरना। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बार फिर उत्तराखंड की पांचों सीटों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के वोट भी बीजेपी को पड़ेंगे। बहरहाल उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। फिलहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि जनता किस पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।